दोस्तों, पिछले एक दो सालों से हम सभी ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में काफी कुछ सुना है। अब ये क्या है, ये कैसे काम करती है और इनमें क्या अंतर है, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है एलई टीवी 1S स्मार्टफोन का टेक्निकल गुरुजी और tinytool.com की तरफ से, वो अभी भी चल रहा है। तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एंटर कर लीजिए ताकि आप एक ब्रांड न्यू एलई टीवी स्मार्टफोन जीतने का मौका ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की। तो देखिए, वर्चुअल रियलिटी, जैसे कि नाम से हमको पता चलता है, रियलिटी यानी कि रियल है और वर्चुअल यानी कि वो असलियत में नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से आप एक हेडसेट पहन के, वो आपके फोन से पावर लेने वाला भी हो सकता है या फिर वो एक सेपरेट हेडसेट भी हो सकता है, उसको पहन के आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो आपको लगता है कि वो असली है, लेकिन आप तो जहां पे खड़े होते हैं वहीं पे खड़े होते हैं, तो वो एक आपको दूसरी जगह पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी यहां पे एक हेडसेट पहन लूं और मैंने अगर एक आईफिल टावर का टूर उसमें लोड कर दिया, तो मैं ऐसा समझूंगा कि मैं आईफिल टावर के सामने खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ पेरिस शहर है और मैं उसको देख पा रहा हूं, मैं चारों तरफ जो एक्टिविटी हो रही है, जो लोग चल रहे हैं, मैं वो देख पा रहा हूं, मैं उन्हीं का हिस्सा हूं, लेकिन असलियत में मैं यहीं पे जमीन पे खड़ा हूं। तो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत, दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बेसिक सबसे, तो वो था गूगल कार्डबोर्ड। गूगल कार्डबोर्ड एक ऐसा हेडसेट था जिसकी मदद से अगर आप अपना फोन उसमें लगाएंगे, सामने की तरफ दो लेंसेज थे छोटे छोटे और आपके फोन का जो स्क्रीन था उसके दो हिस्से बनते थे, एक राइट और एक लेफ्ट। उनका जो पर्सपेक्टिव था, यानी कि जो वीडियो कंटेंट उनमें प्ले होता था, वो हल्का सा शिफ्टेड था, कुछ कुछ 3D की तरह। तो जब आप उन ग्लासेस को पहनते थे, यानी कि जब आप गूगल कार्डबोर्ड को अपने आंखों के सामने लेके आते थे, तो स्क्रीन पे आप चाहे कोई वर्चुअल टूर देख रहे हो, चाहे कोई 360 डिग्री की वीडियो देख रहे हो, तो आप जैसे जैसे अपना सिर घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि आप उस दिशा में मूव कर रहे हैं। अभी सामने क्या हो रहा है, आपने इधर देखा तो अच्छा राइट में क्या है, इधर देखा लेफ्ट में क्या है, तो आप उसको पहनने के बाद में ऐसा लगता है कि आप वहीं पे ही हैं, उसी दुनिया का एक हिस्सा है और आप उसमें अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली क्या है कि आप एक ही जगह पे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक वीडियो कंटेंट या जो ऐप है या जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस दुनिया का हिस्सा हैं। अब वर्चुअल रियलिटी का सबसे कॉमन एग्जांपल है गूगल कार्डबोर्ड ऑब्वियसली। एक हाई एंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा आपको, वो है ऑक्यूलस रिफ्ट, क्योंकि ऑक्यूलस बहुत बहुत बड़ी कंपनी है और पिछले काफी टाइम से वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो है सैमसंग का गैलेक्सी गियर वीआर, उसके अलावा है सोनी का प्रोजेक्ट मॉर्फस, उसके अलावा है एचटीसी का वाइव। तो ये सभी एक हेडसेट है जिनको आप पहन लेते हैं, तो आप जिस दुनिया में अभी हैं, आप जिस कमरे में, आप जिस बेड पे अभी बैठे हैं या लेटे हैं, उससे आपका कनेक्शन खत्म और आप पूरे तरीके से एक नई दुनिया में चले जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो है, हम अभी बात कर रहे थे 3D वर्चुअल टूर्स की, कि आप ऐसा लगेगा कि आप उसी जगह पे हैं और आप घूम सकते हैं। इसके अलावा आप 360 डिग्री की YouTube वीडियोस देख सकते हैं VR हेडसेट्स के थ्रू, क्योंकि YouTube में 360 डिग्री की वीडियोस का भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप एक VR हेडसेट लगाते हैं और अगर आप वो वीडियो प्ले करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक हेलीकॉप्टर राइड की वीडियो है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस हेलीकॉप्टर में ही बैठे हैं। वो जो वीडियो की रिकॉर्डिंग थी वो 360 डिग्री से की गई थी और आपको ऐसा लगेगा कि आप उस हेलीकॉप्टर में हैं। अगर आप इधर झांकेंगे तो आपको नीचे नजर आएगा, इधर देखेंगे तो आपको अंदर कंट्रोल पैनल नजर आएगा, यानी कि आप उसी का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। या इसके अलावा 3D गेम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते हैं डेड ट्रिगर या मॉडर्न कॉम्बैट, तो इन गेम्स में जो शूटर है, आप अगर एक VR हेडसेट पहन के गेम्स खेलते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो शूटर आप खुद हैं और आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो आप जैसे जैसे दौड़ेंगे या अपनी गर्दन घुमाएंगे, तो आपको वो चीजें जो है वो इंटरेक्ट करेंगी आपसे और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी का एक हिस्सा है। दोस्तों, जो VR टेक्नोलॉजी है ये काफी सस्ती है, बिल्कुल भी इसमें महंगा जो है वो खर्चा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपको एक लेंस वाला मैकेनिज्म चाहिए होता है, जो सारा काम है वो आपका फोन कर देता है, क्योंकि फोन ही अपने स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करके और आपको जो एप्स वगैरह हैं उनके थ्रू जो 3D एक्सपीरियंस है वो दे देता है। फिर चाहे वो मूवीज का हो या कोई टूर हो 3D, या फिर आप कोई 3D गेम खेलते हो या इवन आप YouTube 3D में देखते हो, तो वो सभी काम जो है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन VR को यूज करने के लिए, वर्चुअल रियलिटी को यूज करने के लिए आपके फोन में जायरोस्कोप का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके फोन में जायरोस्कोप नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप वर्चुअल रियलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक हेडसेट लगाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ YouTube को एक बड़े स्क्रीन पे देख पाएंगे। अगर आप एक हेडसेट पहन के YouTube को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो स्क्रीन है वो काफी बड़ा है और आप एक सिनेमा हॉल में बैठ के YouTube को देख रहे हैं। इसके अलावा आप VR में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके फोन में जायरोस्कोप है, उसके बाद में क्या होगा, जायरोस्कोप क्योंकि एक हार्डवेयर है, वो आपके सॉफ्टवेयर को ये बताएगा कि आपने अपना सिर अभी कितने डिग्री कितने एंगल पे आपने रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो कंटेंट होना चाहिए था वो आपके सामने उठ के आता है। तो इसका मतलब ये कि अगर
अगर मैं एक 3D टूर में हूँ तो मेरे सामने अभी आईफिल टावर है फॉर एग्जांपल, और इस तरफ कोई एक बिल्डिंग है, तो जब मैं सीधा खड़ा हूँ तो वो मेरे को आईफिल टावर दिखा रहा है, मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो वो मेरे को ऊपर तक का वीडियो जो है जो फुटेज है वो दिखा रहा है, जैसे ही मैं घूमा तो मेरे सामने वो बिल्डिंग आ गई। तो इसीलिए जायरोस्कोप का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की। तो देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का एक नेक्स्ट स्टेप है, ज्यादा एडवांस्ड है वर्चुअल रियलिटी से, ज्यादा महंगा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा कमाल चीज है। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी में दोस्तों क्या होता है कि आप एक पूरा हेडसेट नहीं पहनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक सिंपल चीज है, आपके साइड में एक छोटा सा डिस्प्ले होता है, तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी उसी दुनिया में हैं, आपके सामने वही चीजें हैं जो आपके कमरे में या आपके ऑफिस में या आपके बेडरूम में है, लेकिन आपके कोने में एक छोटा सा एक्स्ट्रा डिस्प्ले आ जाता है जो आपको एक इन्फॉर्मेशन ओवरले देता रहता है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक पे आप सामने रोड तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन रोड के साथ साथ आपको साइड में एक छोटा सा डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली आपको कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जाता, वो आप ही की दुनिया में कुछ नया क्रिएट कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस। दोस्तों ये वो चीज है जो आप मानिए कि ट्रांसफॉर्म कर देने वाली है इस दुनिया को। फॉर एग्जांपल मैं गेम खेल रहा हूं, अब मैं गेम खेल रहा हूं तो मेरे को एक सामने अपोनेंट चाहिए, मेरे को एक फाइटर चाहिए सामने, तो मैंने वो चश्मा पहन लिया जो माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस है, उसके अंदर जो स्क्रीन्स भी हैं, तो मैं अपनी दुनिया तो देख ही पा रहा हूं, जो मेरे सामने सोफा टेबल चेयर है वो सब तो है ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उन्हीं में से ही जो कैरेक्टर्स है वो क्रिएट होंगे। यानी कि मान लीजिए सामने आपकी दीवार है और वो दीवार तोड़ के एक राक्षस आएगा, आपको उससे लड़ाई करनी है, या मान लीजिए कि आपने वर्चुअली यहाँ पे कुछ चीज क्रिएट कर दी, इधर आपने कुछ बना दिया, तो आपकी अपनी स्पेस में बिना आपके विजन को नो हिंडर किए, ऐसा नहीं है कि आपने आगे पर्दा लगा लिया, एक हेडसेट पहन लिया तो आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, और उसी में से ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह से जो कंटेंट है वो निकल के आ रहा है ऊपर और आप उनका मजा उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। गूगल ग्लास इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट हॉलोलेंस, मैजिक लीप, सोनी का मैजिक लेंस, आई थिंक ये जो चीजें हैं ये एकदम हाई एंड है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जो कमाल ये करने वाली है वो वर्चुअल रियलिटी जो है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वर्चुअल रियलिटी खराब है या ऑगमेंटेड रियलिटी अच्छी है, दोनों के ही अपने अपने पर्पस हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल आईकिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है, उन्होंने अपने मोबाइल की एक ऐप बनाई जो कि लोग आईपैड या फोन वगैरह में यूज कर सकते हैं। उस ऐप में क्या था कि आईकिया के फर्नीचर का सारा कैटलॉग था। अब मैं मेरे लिविंग रूम में गया, मेरे को एक नई डाइनिंग टेबल चाहिए, अब डाइनिंग टेबल जो है वो मुझे रख के पता चलेगा कि वो जो डाइनिंग टेबल है वो कौन सी होनी चाहिए या अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैंने एक बटन दबाया और जो मेरी स्पेस है उसमें वर्चुअली एक सेम साइज की डाइनिंग टेबल मेरे सामने उभर के आ गई। तो मैं चारों तरफ से घूम के देख सकता हूं कि जो डाइनिंग टेबल है वो कैसी लग रही है, क्या उसकी हाइट है, कितनी जगह बचती है, कितना क्या, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। या मेरे को अपने बेडरूम में एक टीवी लगाना है तो मैं बस गया और देख लिया अपने टीवी कैबिनेट के हिसाब से कि अच्छा टीवी कैबिनेट कितना बड़ा है, कैसा लग रहा है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, मतलब अपने एक टैबलेट को हाथ में पकड़ के मैं वो सभी चीजों को अज्यूम कर रहा हूं कि वो मेरे कमरे में है और मुझे वैसा का वैसा वो नजर आ रहा है। सोनी के कैमरास अगर आपने यूज किए होंगे, जो सोनी के एक्सपीरिया सीरीज के फोन होते हैं, उसमें आपको ऑगमेंटेड रियलिटी कैमरा नाम का एक ऑप्शन मिलता है, AR कैमरा। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप एक फोटो खींच रहे हैं कमरे की, तो कमरे में बीच में से डायनासोर निकल जाएगा, वो डायनासोर ऐसा नहीं लगता है कि आपने किसी उसको चिपका दिया, ऐसा लगता है कि वो फर्श पे खड़ा है और वो चल रहा है, वो हिलडुल रहा है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी एग्जिस्टिंग स्पेस में ही नई चीजें क्रिएट कर देती है और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत सारी एप्स और भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कागज के ऊपर या एक प्लेन सरफेस के ऊपर आप एक कोड स्कैन करें, वो कोड से आप एक लिंक जनरेट कर लेंगे और आप बाद में एक कार देख पाएंगे, एक वर्चुअल कार। आपको साइड में देखेंगे तो खाली कागज आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने स्क्रीन या अगर आप अपने लेंस के थ्रू देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ वहां पे एक कार है, आप उसको चारों तरफ से उस मॉडल को देख पा रहे हैं, उससे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। मैं एक क्विक चेक कर लेता हूं, वर्चुअल रियलिटी सस्ती है, ऑगमेंटेड रियलिटी महंगी है। वर्चुअल रियलिटी में आपको एक बड़ा हेडसेट पहनना पड़ता है जो आपको इस पूरी आपकी सराउंडिंग से हटा देता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में आपकी सराउंडिंग में ही नई चीजें क्रिएट हो जाती हैं। वर्चुअल रियलिटी हम काम में लेते हैं 3D टूर्स के लिए या फिर हम 3D मैप्स के लिए या फिर हम काम में लेते हैं 3D मूवीज वगैरह के लिए, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी को हम काम में लेते हैं इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए या गेमिंग के लिए या आपके एग्जिस्टिंग स्पेस में कुछ नया क्रिएट करके दिखाना है, आपको वर्चुअली कुछ दिखाना है उसके लिए। वर्चुअल रियलिटी के एग्जांपल्स हैं गूगल कार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड बेस्ड और भी जितने भी हेडसेट्स हैं, गैलेक्सी गियर VR, ऑक्यूलस रिफ्ट, HTC का वाइव, आंट VR वगैरह वगैरह। और जो ऑगमेंटेड रियलिटी उसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस, गूगल ग्लास, मैजिक लीप वगैरह वगैरह। वर्चुअल रियलिटी आप
आपको किसी अलग दुनिया में ले जाती है, ऑगमेंटेड रियलिटी आपको अपनी ही दुनिया में रखती है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी था आपको बताने के लिए कि दोनों टेक्नोलॉजीज क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। वर्चुअल रियलिटी के लिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं जो आप किसी भी एक कंपैटिबल हेडसेट अगर आप लगाते हैं अपने फोन के साथ में तो आप उनका यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको किसी फोन की जरूरत नहीं है, आपको एक हेडसेट पहनना है और वो सारा काम आपके लिए करके देगा। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर है मोहम्मद इशाक, उनके फादर साहब हाजी छोटू खान जी का पिछले महीने इंतकाल हो गया था, तो आप सभी प्लीज प्रार्थना कीजिए कि ऊपर वाला मोहम्मद इशाक और उनके पूरे परिवार को शक्ति दे और इस गम से बाहर निकलने की ताकत दे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।